आज आप लोगों को पता चलने वाले गाइस न्यू अपडेट के चीट कोड्स। जी हाँ गाइस, फाइनली अपने इंडियन बैकग्राउंड वाली गेम का न्यू अपडेट आ चुका है, जिसमें गाइस बहुत सारी न्यू न्यू चीजें आई है। सभी के गाइस मैं आप लोगों को चीट कोड बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइज, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ यार, कई बार आप लोग बोलते हो भाई आप ड्रोन शॉट कैसे लेते हो, तो अगर आप लोग भी गाइस ड्रोन शॉट लेने चाहते हो तो आप लोग आरजेस टूल में आ जाना है और गाइज आप लोग यहाँ पर ड्रोन टाइप कर देना है। यहाँ पर देखो ड्रोन में टाइप कर दिया, आप देखो यहाँ पर ड्रोन कैमरा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइज मैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रोन शॉट ले लेता हूँ। ये देखो अभी सामने कार से काफी सारी, ये देखो भाई क्या खतरनाक, यहाँ पर मैंने ड्रोन शॉट लिया। आप लोग देखो, आप लोग भी गाइस आप ड्रोन शॉट ले सकते हो। ये देखो मैं आ चुका गाइस अभी घर के अंदर, आप लोग जो है इस तरीके से घर के अंदर आ सकते हो, मतलब कहीं पर भी जा सकते हो ड्रोन शॉट की मदद से। ये देखो मैं कहाँ पर हूँ भाई, मैं आसमान में आया हुआ अपने हाउस को लेके। एंड गाइज अगर मैं यहाँ पर कोई भी कार को स्पॉन कराता हूँ, जो कार है ना वो सीधा नीचे स्पॉन होती है भाई, पता नहीं कहां पर गायब हो चुकी है। 6666 ये देखो गाइस यहां पर मैंने डायल किया 6666 और गाइस आप लोग देखो यहां पर जी वैगन कार स्पॉन हो चुकी है। लेकिन अभी यहां पर जो है 6666 से जो गाइस कार स्पॉन होती थी वो होती थी अपने रेंज रोवर। एंड गाइस यहां पर देखो मैंने फिर से डायल किया 6666 और मैं यहां पर एंटर करता हूं। एंड गाइस देखो इस बार स्पॉन हो चुकी है अपने रेंज रोवर कार। तो ये कैसे हो पा रहा है गाइस, चलो मैं आप लोग को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग यहां पर और भी चीट कोड्स बताता हूं। जैसे गाइस नेक्स्ट नंबर पर जो अपना इस बार चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस अपना S1। आप लोग जैसे ही गाइस S1 डायल कर दोगे तो इससे आ जाएगी गाइस रोड। ये देखो यहाँ पर रोड स्पॉन हो चुकी है भाई, कितनी बड़ी सड़क जो है यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है, मतलब भाई अब जो है गाइस आप लोग यहाँ पर रोड वगैरह को भी स्पॉन करा सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट नंबर पर जो इस बार अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस W4। आप लोग जैसे ही W4 डायल करोगे तो गाइस यहाँ पर आ जाएगी बहुत ही बड़ी वाली वॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है। आप लोग देखो कहां तक जा रही है। और गाइस आप लोग यहाँ पर जैसे ही डायल करते हो W5 तो गाइस देखने यहाँ पर एक और वॉल स्पॉन हो जाएगी, जो कि दूसरे टेक्चर में इस बार, ये अपना दूसरे टेक्चर में। एंड यार ये भी बहुत ज्यादा सही लग रही है। एंड गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर डायल करते हो W6 तो भाई इस बार जो अपनी वॉल स्पॉन होगी ना वो थोड़ी अलग होगी। ये गाइस ये आ चुकी इस बार अपनी जाल वाली वॉल, यहाँ पर देखो जाल लगवाया अपनी इस वाली दीवार में। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार होने वाला है अपना M1। आप लोग जैसे ही गाइस यहाँ पर M1 डायल करोगे तो M1 से गाइस स्पॉन हो जाएगा अपना लोकेशन वाला मार्क। यहाँ पर देखो लोकेशन वाला मार्क जो है आ चुका है। और गाइस आप लोग जैसे ही आरजेस टूल में जाके M2 डायल कर देते हो तो M2 से गाइस स्पॉन हो जाएगा अपना फिनिश वाला बैनर। यहाँ पर देखो फिनिश वाला जो बोर्ड अपना वो लगा हुआ है, मतलब यार यहाँ पर आप लोग जो है अब रेस वगैरह करोगे ना तो फिनिश भी कर सकते हो आप लोग अपने गेम को यहाँ पर, तो ये इसके लिए काम आएगा। तो चलो गाइस बढ़ते हो अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार होने वाला अपना 8370। आप लोग ये जैसे ही डायल करोगे तो गाइस इससे आ जाएगा अपने ऑटो रिक्शा। और गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर डायल करोगे 3001 तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी बोट। एंड गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर डायल कर दोगे 9191 तो गाइस इससे अपनी थार आ जाएगी। और थार का गाइस इसमें अपना एक और मॉडल ऐड है जिसका चीट कोड अपना 9090, इससे गाइस अपनी एक और थार स्पॉन हो जाएगी। और गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर 50 डायल करते हो तो भाई इससे अपना डायनासोर आएगा, जो कि वेलोसिराप्टर है। और 51 डायल करोगे तो गाइस इससे एक और डायनासोर आएगा, जो कि टीरेक्स है। और गाइस 52 डायल करोगे तो 52 से गाइस अपना स्पाइनोसोरस आ जाएगा। और गाइस अगर 53 डायल करोगे तो 53 से गाइस अपना ब्रासियोसोरस आ जाएगा। तो यार देखो यहाँ पर जो है काफी सारे डायनासोर्स भी ऐड है अपने इंडियन बैकग्राउंड वाली गेम में। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार जेसीबी का होने वाला है, जो कि अपना गाइस 6677। यहाँ पर देखो गाइस जेसीबी स्पॉन हो चुकी है, मतलब जो एक अपनी क्रेन है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर हमर कार को लेना चाहते हो तो 8880 डायल करना, अपनी हमर कार भी आ जाएगी। और गाइस बुलेरो को स्पॉन कराना चाहते हो तो 3100 डायल करना, अपनी बुलेरो कार भी आ जाएगी। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर डायल कर देते हो 320 तो गाइस इससे आएगा अपना जेट पैक। यहाँ पर देखो मैंने डायल किया, जेट पैक आ चुका है। और मिनी जेट पैक लेना है तो 330 डायल करना गाइस, अपना मिनी जेट पैक भी आ जाएगा। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर डायल करते हो 2244 तो गाइस इससे आएगी अपनी सुप्रा। और गाइस अगर आप लोग डायल करते हो 8123 तो गाइस इससे आएगी अपनी मस्टैंग जीटी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे 8811 तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी फरारी। आप लोग देखो यहाँ पर तीनों मैंने लग्जरी कार जो स्पॉन करा दी है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करते हो 6021 तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी सुपर स्प्लेंडर। और गाइस आप लोग यहाँ पर स्पॉन कराना चाहते हो टैंक को, मतलब जो अपना आर्मी टैंक होता है उसके लिए गाइस आप लोग डायल करना है 4040 तो गाइस जो अपना आर्मी टैंक है वो भी अपना यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर इंडेवर कार को लेना चाहते हो
हो तो फिर गाइज आप लोग को 2020 डायल करना है। अपनी इंडेवर कार भी स्पॉन हो जाएगी, ये देखो ये भी यार मस्त लग रही है अपनी इंडेवर कार, सच में एक नंबर है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर देते हो 1212 तो गाइज इससे अपना ट्रक आ जाता है। और अगर ट्रॉली ट्रक को स्पॉन कराना है तो फिर गाइज आप लोग को 01212 डायल करना है, अपना ट्रॉली ट्रक भी स्पॉन हो जाएगा। ये देखो क्या खतरनाक अपने स्पॉन हुआ है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर देते हो 1001 तो भाई पता है इससे कौन सी कार आती है, इससे मेरी फेवरेट फॉर्चुनर आती है, लेकिन ये लेजेंडर है। जो मेरा फेवरेट मॉडल है गाइस वो है अपनी नॉर्मल वाली फॉर्चुनर, जिसका चीट कोड है अपना 1000। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल वाली फॉर्चुनर है, ये मेरी पर्सनली फेवरेट है यार, ये मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगती है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार होने वाला है अपना फायर ट्रक का, जो कि गाइस अपना 606। आप लोग जैसे ही ये डायल करोगे तो गाइस इससे अपना फायर ट्रक स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे 300 तो गाइस इससे अपनी टार्जन कार स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे 4050 तो गाइस अपनी अपाची बाइक स्पॉन हो जाएगी। और गाइस मान लो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ट्रक्स को स्पॉन कराना चाहते हो, तो उसके लिए गाइस आप लोग करने का है तो उसके लिए गाइस आप लोग यहाँ पर 0 डायल करना है। और मान लो आप लोग कौन सी कार का कराना चाहते हो, आप लोग कराना चाहते हो गाइस फॉर्च्यूनर का, तो फिर आप लोग गाइस फॉर्च्यूनर का शीट को डायल कर देना है जो कि अपना 1000। आप लोग जैसे ही डायल करोगे तो गाइस अपनी जो फॉर्च्यूनर है यहाँ पर स्पॉन हो जाएगी। एंड यार देखो कितनी बढ़िया तरीके से स्पॉन हुई, मतलब जो इसमें बग्स था ना पहले ये जंप करते थे, लेकिन गाइस अब यहाँ पर ये जंप नहीं कर रहे हैं, तो यार सही है बग्स इस गेम के डेवलपर ने फिक्स कर दिया है। तो और गाइस आप लोग जैसे यहाँ पर इस बार 0 डायल करोगे ना, और थार का चीट कोड है 9090, आप लोग जैसे ही डायल करोगे तो गाइस जो अपनी थार वाला मॉन्स्टर ट्रक है वो स्पॉन हो जाएगा। एंड गाइस वो भी यहाँ पर जंप नहीं करेगा, ये देखो भाई अपना जो थार वाला मॉन्स्टर ट्रक है उसने भी यहाँ पर जंप नहीं किया है। और गाइस यहाँ पर अगर आप लोग टार्जन कार वाले को स्पॉन कराना चाहते हो तो आप लोगों को 0 डायल करना है और 300 डायल कर देना है, अपनी टार्जन कार वाला है वो भी यहाँ पर जंप नहीं करेगा, वो भी आराम से स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस आप लोग इस तरीके से जो यहाँ पर सारे मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन करा सकते हो। और भी काफी सारे मॉन्स्टर ट्रक आते हैं, जैसे कॉइनेक्सिक कार का भी आता है 0900 से, देखो कॉइनेक्सिक कार वाला भी आ चुका है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार होने वाला है अपने पोर्शे कार का। गाइस पोर्शे कार का चीट कोड है 4000, आप लोग जैसे ही डायल करोगे तो पोर्शे कार अपनी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस आप लोग जैसे ही यहाँ पर डायल कर दे दो 999 तो गाइस इससे यामा वीमैक्स आती है, और 888 डायल कर दोगे तो गाइस इससे यामा FZ10 आएगी, और 777 डायल कर दोगे तो गाइस इससे अपनी डुगाटी डायवल आएगी, और अगर 666 डायल कर दोगे तो गाइस इससे अपनी बनेली TNT आएगी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दो 333 तो भाई इससे आ जाती है गाइस अपनी स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो अपनी क्लासिक है। और अगर S11 मॉडल को स्पॉन कराना चाहते हो तो फिर स्कॉर्पियो S11 के लिए आप लोग को डायल करना है गाइस 444 तो अपनी स्कॉर्पियो S11 भी आ जाएगी। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन कराना चाहते हो रोल्स रॉयस को तो फिर आप लोगों को गाइस डायल करना है यहाँ पर 2000, अपने रोल्स रॉयस कार भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हो यार बुगाटी को, तो बुगाटी के लिए गाइस आप लोग को डायल करना है 800, अपनी बुगाटी भी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोग हेलीकॉप्टर को लेना चाहते हो तो आप लोग गाइस यहाँ पर डायल करना है 8000, तो अपना हेलीकॉप्टर है वो भी आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग को प्लेन को स्पॉन कराना है तो गाइस आप लोग डायल करना है 555, अपना प्लेन भी स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर ZX10R बाइक को लेना चाहते हो तो फिर गाइस आप लोगों को 400 डायल करना है। और गाइस अगर साइकिल को लेना है तो गाइस आप लोगों को 1111 डायल करना है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दोगे 1 तो भाई 1 से आ जाएगी गाइस यहाँ पर अपनी ये KGF वाली बाइक। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दोगे 2 तो 2 से गाइस अपनी आ जाएगी Lamborghini Terzo। और गाइस आप लोग यहाँ पर डायल कर दोगे 3 तो 3 से आ जाएगा गाइस अपना ये मॉन्स्टर। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दोगे 4 तो भाई 4 से गाइस आ जाएगा अपना स्नेक मॉन्स्टर। और गाइस अगर आप लोग 5 डायल कर दोगे तो 5 से गाइस आ जाएगा अपना ईगल। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर 6 डायल कर दोगे तो 6 से आ जाएगा गाइस अपना एलिफेंट। ये देखो एलिफेंट भी ऐड है इसमें, मतलब बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें ऐड है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर 7 डायल कर दोगे तो भाई 7 से आ जाएगी गाइस अपनी ओमनी। और गाइस अगर आप लोग 8 डायल कर दोगे तो 8 से गाइस आ जाएगी अपनी स्विफ्ट कार। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर 9 डायल करते हो तो भाई 9 से आ जाएगा अपना ये ट्रैक्टर, और इसमें एक और ट्रैक्टर आता है जो कि बड़ा वाला है, उसमें चीट कोड है 5643। आप लोग ये डायल करोगे तो गाइस अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर भी स्पॉन हो जाएगा, वो भी ट्रॉली के साथ। ये देखो यहाँ पर ट्रॉली वाला ट्रैक्टर भी स्पॉन हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दोगे 10 तो भाई 10 से जो गाइस अपनी बफेलो आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर दे तो 11 तो भाई 11 से जो गाइस अपना लॉयन भी आ जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डांसिंग गर्ल को लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग करना है कि आप लोग 15 डायल कर देना, जो डांसिंग गर्ल है वो भी अपनी यहाँ पर स्पॉन हो जाएगी। देखो क्या खतरनाक यहाँ पर डांस जो है कर रही है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीट कोड की तरफ, जो कि इस बार होने वाला है अपना प्लेन का। गाइस प्लेन का चीट कोड है 555। ये देखो 555 मैंने
डायल के यहाँ पर प्लेन आ चुका है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे 6000 तो भाई 6000 से आ जाएगी गाइज अपनी ट्रॉन बाइक। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल कर देते हो 600 तो गाइज इससे अपना डॉग आता है। और गाइज अगर आप लोग डायल करोगे 777 तो गाइज इससे अपनी ड्यूक आ जाएगी। और गाइज आप लोग लेना चाहते हो घोस्ट राइडर बाइक को तो गाइज आप लोग डायल करना है 5555 अपनी घोस्ट राइडर बाइक भी आ जाएगी। और गाइज आप लोग ऑडी को लेना है तो 500 डायल करना है अपनी ऑडी भी स्पॉन हो जाएगी। एंड गाइज अगर आप लोग यहाँ पर लैम्बोर्गिनी को स्पॉन कराना चाहते हो तो गाइज आप लोग 333 डायल करना अपनी लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी। और गाइज लैम्बोर्गिनी का इसमें एक और मॉडल ऐड है जिसका चीट कोड 700 यहाँ पर जो गाइज अपनी ये वाली लैम्बोर्गिनी भी स्पॉन हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बाइक्स का और चीट कोड बता देता हूँ। जैसे गाइज फर्स्ट जो अपनी बाइक होने वाली है वो स्प्लेंडर होने वाली है जिसका चीट कोड है 9000 यहाँ पर जो गाइज स्प्लेंडर भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अगर आप लोग डायल करोगे 0000 तो गाइज अपनी इससे स्कूटी आ जाएगी जो कि अपनी हीरो प्लेजर है। और गाइज आप लोग यहाँ पर डायल करोगे 3000 तो गाइज इससे आ जाएगी अपनी कावासाकी निंजा H2R। और अगर 7000 डायल कर दोगे तो 7000 से आ जाएगी गाइज अपनी हायाबुसा बाइक। और हाँ गाइज मेरी फेवरेट बाइक तो रही गई यार ATV बाइक जिसका चीट कोड अपना 2222। ये देखो गाइज यहाँ पर ATV बाइक भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज न्यू KTM भी इसमें आती है जिसका चीट कोड है 1190। न्यू KTM भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अगर आप लोग KTM को लेना चाहते हो तो 1210 डायल करना अपनी KTM भी आ जाएगी। और अगर पल्सर को लेना चाहते हो तो 1211 डायल करना अपनी पल्सर भी आ जाएगी। तो गाइज इतनी सारी बाइक्स जो है इसमें अपनी ऐड है। आप लोग देखो यार यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी आप लोगों को चीट कोड्स बता दिए। लाइक मैंने आप लोगों को कार्स के भी बता दिए, एनिमल्स के भी बता दिए। एंड गाइज मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितनी बाइक्स थी सभी के बता दिए ऑलमोस्ट। तो चलो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीक्रेट चीट कोड्स जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखे हैं। तो गाइज आपसे को बताए जो आप लोगों ने लास्ट टाइम बोला था कि भाई हमारे लिए जो है जी वैगन कार को स्पॉन करवाइए। तो गाइज मैंने जो है गाइज आप लोगों के लिए जी वैगन कार जो है यहाँ पर ऐड करवा दी। और गाइज अब जो है आप लोग यहाँ पर जी वैगन कार को इजीली तरीके से स्पॉन करा सकते हो बिकॉज वो जो अपनी जी वैगन कार है वो अपनी ऐड हो चुकी है। तो जी वैगन का जो गाइज अपना चीट कोड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि है अपना 6666 जो कि रेंज रोवर की जगह रिप्लेस की गई है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पर रेंज रोवर को स्पॉन कराना चाहते हो तो आप लोग करना क्या है। गाइज अगर आप लोग जी वैगन की जगह अपनी रेंज रोवर को स्पॉन कराना चाहते हो तो गाइज आप लोग करना है कि आप लोगों को ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करना है। ओल्ड वर्जन में जो गाइज आप लोगों को रेंज रोवर देखने को मिल जाएगी। तो ओल्ड वर्जन डाउनलोड कैसे करना है गाइज आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च करना है अपने गेम का नाम, वहां पर आप लोगों को सभी ओल्ड वर्जन जो है देखने को मिल जाएंगे। वहां आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपने रेंज रोवर कार को भी चला सकते हो बिल्कुल मजे से। तो चलो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोग जो स्काई में कैसे जा सकते हो, मतलब जो अपने घर है इसको स्काई में लेके कैसे जा सकते हो। तो इसके लिए गाइज आप लोग करने के आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर जो गाइज आप लोग लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग करने के गाइज उस लिंक को कॉपी करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक को कॉपी कर लोगे तो आप लोग करने के गाइज आप लोगों को अपने जो फोन है इसको स्टार्ट करना है। आप लोग जैसे ही फोन को स्टार्ट करोगे तो आप लोग यहां पर इंटरनेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग गाइज अपने इंटरनेट को ऑन करना है और यहां पर पेस्ट पे क्लिक कर देना। आप लोग जैसे ही पेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो जो आप लोगों की फाइल है वो लोड हो जाएगी। फाइल गाइज आप लोगों को तभी लोड होगी जब आप लोगों को डाटा कनेक्शन ऑन होगा। तो डाटा कनेक्शन को जरूर ऑन रखना, उसके बाद फाइल लोड हो जाएगी। फिर आप लोग करना गाइज आप लोग अपने गेम को रीस्टार्ट करना है। जी हाँ गाइज गेम को कट करके रीस्टार्ट करना है। आप लोग जैसे ही ये कर दोगे तो जो ये अपना घर है ये ऑटोमेटिकली अपना वहां पर पहुंच जाएगा आसमान में। और जो अपना प्लेयर है फ्रैंकलिन ये भी आसमान में पहुंच जाएगा। तो वहां से ही गाइज आप लोग अपने गेम को भी खेल सकते हो बढ़िया तरीके से। और गाइज अब तो इसमें अपना ड्रोन मोड भी ऐड हो चुका है, मतलब जो यहाँ पर आप लोग ड्रोन शॉट भी ले सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो भाई वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए और यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। गाइज तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।